पर्यावरण हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण पाया जाता है, जैसे आप देख रहे हो ऑक्सीजन 20.9%, वहीं नाइट्रोजन है वो 78% पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत ही कम यानी 0.03% मात्रा में पाई जाती है, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। यह हमारी पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन है जहाँ वस्तुओं को जलाने में सहायता करती है, वही कार्बन डाइऑक्साइड है वो है उनको जलने से रोकने में हमारी सहायता करती है, यानी हमारी पृथ्वी के पर्यावरण को बनाए रखती है। और साथ ही यह यदि नहीं होती तो हमारी पृथ्वी पर जो टेम्परेचर है वो इतना कम हो जाता कि यहाँ पर जीवन संभव नहीं था। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर इस प्रकार से एक आवरण बन जाता है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, और इस कार्बन डाइऑक्साइड के आवरण से जो सूर्य से ऊष्मा आती है और ऊष्मा पृथ्वी से परावर्तित होकर बाहर जाती है, वो है उसको रोक लेती है, यानी उसको टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देती, जिससे हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। लेकिन हमारे पृथ्वी पर मानवीय जो क्रियाकलाप हैं, जैसे कल कारखाने हैं, इनसे अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन हो रहा है और उससे हमारी पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और यदि ऐसा ही होता रहा तो हमारी पृथ्वी का हाल ऐसा होगा, इतनी गर्म हो जाएगी और हमारे जो ग्लेशियर हैं वो पिघलने लगेंगे, तो हमारी पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में जीवन में बदलाव आ जाएगा, बहुत सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, तो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह बहुत ही जीवनदायी गैस है, तो हम इसको ज़्यादा उत्सर्जन ना करें। धन्यवाद।